वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी राजनीतिज्ञ पत्नी डिंपल यादव की प्रेम कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं अखिलेश यादव का वो कबूलनामा जिसे वो कई बार खुलेआम स्वीकार कर चुके हैं। क्या है वो कबूलनामा और क्यों है ये खास, आइए जानते हैं। सपा प्रमुख कई बार सार्वजनिक मंचों से कबूल कर चुके हैं कि डिंपल यादव न सिर्फ उनकी जीवन साथी हैं बल्कि उनके राजनीतिक करियर के लिए भी बेहद जरूरी हैं। लेखिका सुनीता एरॉन अपनी किताब बदलाव की लहर में लिखती हैं कि कई बार मंचों पर अखिलेश यादव कह चुके हैं कि डिंपल उनकी लेडी लक हैं। डिंपल से शादी करने के बाद उनकी किस्मत खुल गई। दोनों की शादी के एक साल बाद ही फरवरी 2020 में अखिलेश यादव सांसद चुने गए और तब से लेकर हर साल वो तरक्की की राह पर हैं। ये बिना डिंपल के साथ के मुमकिन नहीं था। राजनीति में राजनीतिक घरानों की बहुओं का आना कोई नई बात नहीं है, मगर डिंपल यादव उन महिला नेताओं में से हैं जिन्होंने राजनीति के मैदान में भी कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। डिंपल यादव निर्विरोध सांसद बनने वाली देश की 44वीं पॉलिटिशियन बनी थी। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किसी भी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन नहीं किया था और जो निर्दलीय थे उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई महिला निर्विरोध निर्वाचित हुई हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास में सिर्फ 4 ही बार कोई भी नेता निर्विरोध सांसद चुना गया है। डिंपल देश की एकमात्र ऐसी एमपी थी, जब वो पहली बार एमपी बनी तो उनके पति सीएम थे, और एकमात्र ऐसी एमपी रही जिनके ससुर उसी सदन में सांसद थे। सुनीता एरॉन ने अखिलेश पर लिखी अपनी किताब अखिलेश यादव बदलाव की लहर में उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ किस्से लिखे हैं। इंजीनियरिंग के दिनों में अखिलेश और डिंपल की मुलाकात हुई थी। अखिलेश यादव 21 साल के थे और डिंपल 17 साल की। डिंपल उन दिनों स्कूल में पढ़ा करती थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री जम गई थी। दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। किताब के मुताबिक डिंपल यादव फ्रेंड का बहाना बनाकर अखिलेश से छिप छिप कर मिला करती थी। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अखिलेश सिडनी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री लेने ऑस्ट्रेलिया चले गए। दोनों की बातचीत जारी थी। वहीं से वो डिंपल को लेटर्स लिखा करते थे और ये दौर अखिलेश की मास्टर्स डिग्री पूरा होने तक चला। और फिर वापस लौटकर अखिलेश और डिंपल ने अपने अपने घरों में इजहार मोहब्बत कर दिया। फिर जो हुआ उसकी चर्चा किसी और किस्से में। अखिलेश और डिंपल की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।